हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पद्मनी फ्रॉम पद्मनी रिंकीज चैनल। और आज की एक वीडियो है रिव्यू वीडियो पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम के बारे में। सो फ्रेंड्स, पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम को काफ़ी लोग गोरे होने के लिए, फेयरनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम की, जो पहले आई थी लेकिन कंपनी ने बैन किया और फिर से निकाली, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम में दिखी। तो ये क्रीम लेटेस्ट आई है पेंड्रम डबल प्लस। पहले आई थी पेंड्रम और फिर सेकेंड आई थी पेंड्रम प्लस और फिर ये थर्ड आई है पेंड्रम डबल प्लस। तो ये क्रीम लेटेस्ट आई है और इस क्रीम को दाद, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कुछ इसे गोरेपन के लिए भी यूज कर रहे हैं। लेकिन इसकी साइड इफ़ेक्ट्स होती है, कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। सो लोग इसे यूज कर रहे हैं फेयरनेस के लिए। सो इसकी प्राइस है 81 रुपीज़ फॉर 15 ml और ये सारी मेडिसिनल शॉप में मिल जाएगी। और इसमें जो केमिकल यूज किया गया है, थोड़ा इस क्रीम में एनहेंस किया गया है। और इसकी जो पैकेजिंग है, मेडिसिनल क्रीम टाइप है, प्लास्टिक ट्यूब पैक में आती है और कार्डबोर्ड पैक है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। और लेकिन फ्रेंड्स, ये फेयरनेस क्रीम नहीं है। इसे लगाने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि स्किन रेड हो जाना या फिर रेडनेस आना स्किन में, और स्किन में कभी कभी बाल भी उग जाते हैं। और अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अगर यूज ना करें तो ये बंद करने के बाद आपको, आपकी स्किन को काली भी बना सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस आ सकती है। सो ये फेयरनेस क्रीम नहीं है, उसे यूज ना करें। और अगर आप यूज कर रहे हैं, आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है, तो प्लीज़ इसे लगाकर धूप में ना जाएं। धूप में जाने से आपको साइड इफ़ेक्ट होगी, आपकी स्किन जल सकती है, काली पड़ सकती है। इस क्रीम को बच्चों से दूर रखें, क्योंकि ये क्रीम बहुत हार्ड है और बच्चों को हानि पहुंचा सकती है। और फ्रेंड्स, देखा जाए तो इसकी जो पहले वाली क्रीम थी पेंड्रम प्लस, वो उसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से कंपनी ने उसे बैन कर लिया, बंद कर लिया, और फिर उसे निकाली है थोड़ा सा एनहेंस करके, थोड़ा अच्छा बना के। सो ये फेयरनेस क्रीम नहीं है, ये दांत खाज खुजली के लिए है और फंगल इन्फेक्शन के लिए है। सो फ्रेंड्स, गोरे होने के चक्कर में कोई भी क्रीम ना लगाएं, इसको जांचें परखें फिर लगाएं। और ये है इस क्रीम की सच्चाई, जो सही है मैंने बताया। और दैट्स द रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।